राज्य मंत्रिमंडल की कल होगी अहम बैठक, कोरोना के वर्तमान स्थिति और पाबंदियों पर होगी चर्चा। मुंबई में कम हुए कोरोना के मरीज, मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई करों को दिया श्रेय। अब बसों में सफर करने के लिए भी बेस्ट देगी यूनिवर्सल पास, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगा पास। मुंबई पुलिस कमिश्नर का अजीबोगरीब फरमान, प्रत्येक पुलिस स्टेशन को रोजाना 100 कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करने का दिया गया टारगेट। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 34 नए मामले, मुंबई से एक भी केस नहीं। चीनी कंपनी वीवो की आईपीएल से छुट्टी, अब टाटा के नाम से जाना जाएगा आईपीएल। मुंबई में लगातार तीसरे दिन आज फिर कोरोना के मामलों में कमी, बीते 24 घंटों में आए 11,647 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,523। लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती, हालत स्थिर। प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की अहम बैठक, कोरोना के बढ़ते मामलों पर हुई चर्चा, मुख्यमंत्री ठाकरे भी रहे मौजूद। पुणे में मुर्गी की वजह से मर्डर, सर पर कुल्हाड़ी मारकर पड़ोसन की गई हत्या। शरद पवार की एनसीपी भी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी चुनाव, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ होगा गठबंधन, खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने किया ऐलान। मुंबई पुलिस के शिकंजे में फर्जी डायरेक्टर, काम दिलवाने के लिए अभिनेत्रियों से मांगता था नग्न फोटो। फिर बढ़ी कोस्टल रोड की डेडलाइन, अब दिसंबर 2023 में काम होगा पूरा, कल पहले सुरंग का हुआ उद्घाटन। शरद पवार ने मंत्रियों की बैठक किस अधिकार से बुलाई, उन्हें मुख्यमंत्री का चार्ज दिया गया है क्या, राम कदम का सवाल। गोवा में टीएमसी और कांग्रेस के साथ अलायंस पर जल्द होगा ऐलान, सुप्रीमो शरद पवार का बयान। चेंबूर में बड़ी हफ्ता उगाही की घटना, सीसीटीवी में हुई कैद, हफ्ता न देने पर तोड़फोड़ करते नजर आए गुंडे, पुलिस ने शिकायत के बावजूद नहीं की कार्रवाई। महाराष्ट्र में आज कोरोना के मामलों में गिरावट, बीते 24 घंटों में कोरोना के 34,424 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेकाबू, मुंबई में 400 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। मुंबई में कोरोना के चलते 63 बिल्डिंग सील, एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं। 4 महीने की बच्ची के अपहरण में मुंबई पुलिस ने 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बच्ची को तमिलनाडु में बेचा गया था। भाजपा को यूपी में झटका लगेगा, योगी सरकार फिर नहीं आएगी, संजय राउत का दावा। आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए बढ़ाया गया समय, 15 मार्च तक की दी गई अवधि। सर्दी होने पर आप कोरोना से बच सकते हैं, ब्रिटेन में एक रिसर्च से हुआ अहम खुलासा। मुंबई में आज सोने के दामों में आई गिरावट, सोना 48,590 रुपए तोला, वही चांदी के दामों में बढ़ोतरी के साथ चांदी 60,800 रुपए किलो। अमेरिकी डॉक्टरों का ऐतिहासिक काम, आदमी के शरीर में धड़केगा सुअर का दिल, 57 वर्षीय बुजुर्ग के शरीर में सुअर का दिल किया गया ट्रांसप्लांट।